की जो 8 अक्टूबर को भी हो जाएंगे, देखे ना क्या माशी हालात ठीक हो जाएंगे, क्या दहशतगर्दी कम हो जाएगी, तो जो जिस तरह हालात जा रहे हैं वो तो और बिगड़ने वाले हैं, तो इसका मतलब 8 अक्टूबर से भी आगे चले जाएंगे। लेकिन जब आपने फैसला कर लिया इलेक्शन आइन से निकलने का, उसके बाद तो आप कुछ ज़्यादा हक के आगे ना कि 90 दिन के बाद उससे 11 साल किए, उसके बाद क्या रोकता है? जब आप आइन तोड़ देते हैं तो फ्री फॉर ऑल है। सुप्रीम कोर्ट के सर आप पर से जल्दी उठा करने जा रहे हैं, कमीशन नजूमी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से क्या तोहफा, सुप्रीम कोर्ट से क्या तोहफा, जो पिटीशन दायर हुई है उसके हवाले से बात करने, जो कॉन्टेम्प्ट पिटीशन अजहर साहब ने भी कर दी है, शेख रही ने भी की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी की है, सारा उम्मीद ही सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट खड़ा है पाकिस्तान को अब जंगल के कानून में बचाने, क्योंकि और कोई अब रास्ता नहीं है, लोगों को उठाया जा रहा है, गायब है, ये 40 मेरे ऊपर जब दहशत करती है, मेरे ऊपर केसेस करते हैं, और मुझे 50 साल से जाना, क्या कोई मानने के लिए तैयार है कि मैंने 40 बार दहशत करती है? जब आप कानून की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, जब पब्लिक का कॉन्फिडेंस ही चला जाता है, सारी गवर्नमेंट के जो सिस्टम है इंसाफ का, उसके बाद तो उसमें और बनाना रिपब्लिक में क्या फ़र्क है? बनाना रिपब्लिक में कानून ही ना होता, यही बनाना रिपब्लिक, इंसाफ ही नहीं होता। एक अमीर मुल्क और गरीब मुल्क में फ़र्क ही है कि अमीर मुल्क में रूल ऑफ लॉ होते हैं। दुनिया की तारीफ उठाते हैं कि कौमें ऊपर गई हैं वो रूल ऑफ लॉ पे गई हैं, जब रूल ऑफ लॉ ख़त्म करते हैं वो बनाना रिपब्लिक बन जाती है, वो तो ऊपर जा ही नहीं सकते। अच्छा सर, अच्छा खान साहब ये बताइएगा, 16 अरब का मुकदमा दर्ज किया गया था इमरान आपके दौर में शहबाज शरीफ वगैरह के खिलाफ।